पुकार में आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पुलिस टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए फर्जी दस्तावेजों के जरिए विदेश भेजने वाले एजेंट को गिरफ्तार किया। मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम अरविंद पांडे है। ये गिरोह फर्जी आधार कार्ड और पासपोर्ट बनाकर लोगों को विदेश भेजने का काम करता था। आईजीआई एयरपोर्ट डीसीपी उषा रंगनानी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विदेश जाने की कोशिश कर रहा है। सूचना के आधार पर जांच करने पर पता चला कि शख्स ने अपना नाम और उम्र बदलकर पासपोर्ट बनवाया है। पूछताछ में उसने बताया कि एक एजेंट अरविंद पांडे की मदद से उसने फर्जी आधार कार्ड और पासपोर्ट बनवाया था। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने अरविंद पांडे को गिरफ्तार किया। अरविंद पांडे लोगों को विदेश भेजने का झांसा देता था और मोटी रकम लेकर उनके फर्जी दस्तावेज तैयार करता था। वह फर्जी आधार कार्ड बनवाने के साथ साथ पासपोर्ट भी बनवा देता था। पूछताछ में उसने बताया कि वह पिछले कई सालों से इस धंधे में लगा हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि इस गिरोह में और कौन कौन शामिल है। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि अरविंद पांडे ने कितने लोगों को फर्जी दस्तावेजों के जरिए विदेश भेजा है। पुलिस ने सभी यात्रियों की सलाह दी है कि वे विदेश जाने के लिए किसी भी अनअधिकृत एजेंट की मदद ना ले, हमेशा अधिकृत संस्थाओं से ही पासपोर्ट और वीजा बनवाएं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।